कुंडा के बाहुबली राजा भैया, जिनके चर्चे अक्सर मीडिया में रहते हैं, अब उनका टूटता रिश्ता खबरों में है। कहा जा रहा है कि राजा भैया जल्द से जल्द अपनी पत्नी भानवी सिंह से तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन ये मामला कुछ न कुछ कारणों से खींचता चला जा रहा है। राजा भैया ने पत्नी भानवी कुमारी से तलाक लेने के लिए दिल्ली साकेत कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिस पर कल सुनवाई भी होनी थी, लेकिन मामला फिर ऐसा फंसा कि बात आगे ही ना बढ़ पाई, मतलब सुनवाई ना हो सकी। लेकिन क्यों, चलिए अब वो भी जान लीजिए। दरअसल दिल्ली के साकेत कोर्ट ने भानवी सिंह को नोटिस भेजकर उनका जवाब मांगा था, लेकिन भानवी सिंह ने समय पर जवाब दाखिल नहीं किया, इसलिए साकेत कोर्ट ने अब उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 25 जुलाई तक का वक्त और दे दिया है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 जुलाई को ही होगी, यानी मामला लंबा ही खिंच गया है। आपको बता दें कि बस्ती राजघराने से ताल्लुक रखने वाली भानवी सिंह की शादी राजा भैया से 1995 में हुई थी, और बताया जाता है कि शादी के समय राजा भैया करीब 25 साल के थे। कहा जाने लगा कि शादी के कुछ सालों तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी, दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई, और ये दूरियां तब सतह पर आ गई जब इसी साल फरवरी में भानवी सिंह ने दिल्ली क्राइम ब्रांच में राजा भैया के मुंह बोले भाई गोपाल जी यानी MLC अक्षय प्रताप सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। दिल्ली में एक FIR दर्ज करवा दी। इस FIR के बाद पति पत्नी के बीच की दूरियां और कलह सामने आ गई, जिस पर राजा भैया ने यूपी तक से बातचीत में बिल्कुल साफ कह दिया था कि वो हर हाल में अपने भाई के साथ ही हैं, यानी अपनी पत्नी की मुखालफत का ऐलान उन्होंने एक तरीके से मीडिया के सामने तभी कर दिया था। स्वाभाविक रूप से अपने छोटे भाई के साथ है। नहीं, लेकिन आपकी पत्नी ने FIR दर्ज कर तो क्या हुआ है? अब FIR हुई है, जो उसकी सच्चाई होगी सामने आएगी, कोई चिंता की बात नहीं। हुई है किसी कंपनी से कुछ जाली दस्त जहाँ तक हमारी जानकारी है कोई धोखाधड़ी नहीं, बाकी विवेचना का विषय है, अभी प्रतीक्षा करिए, जल्दबाजी नहीं। वो घर घर की कहानी है, छोड़िए। कहा गया कि यूं इस तरह से राजा भैया के स्टैंड के बाद मामला और गड़बड़ा गया। हालांकि बीच बीच में इस रिश्ते में दरार के पीछे कुछ और वजहें और कुछ और किस्से कहानियां भी सुनाई देती रही। आपको बता दें कि राजा भैया जनसत्ता दल के सुप्रीमो और प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक हैं, और इस सीट से वो लगातार 7 बार विधानसभा चुनाव जीतकर 2022 में आए। राजा भैया और भानवी सिंह के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।